بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواهدین آزان. هم علم سیکھتے ہیں छूने से, देखने से, सुनने से, और किताबों से. लेकिन इल्म में कमाल उस वक्त हासिल होता है जब हम इसको तीन मंजिलों में तय करते हैं. और वो तीन मंजिलें हैं इल्म, अमल और सोबत. हम किताबों से इल्म हासिल कर लेंगे, देखने से सीख लेंगे, छूने से सीख लेंगे, सुनने से सीख लेंगे. तो इल्म हासिल करने की पहली मंजिल तो इल्म को हासिल करना है. लेकिन जब तक के हम इसको एक्सरसाइज नहीं करते, इसको अमल में नहीं लाते, अपनी जिंदगी पर इसका इतलाक नहीं करते, तो ये पॉलिश नहीं होगा. इसके बारे में हमें सही अंदाज में पता नहीं चलेगा कि ये जो कुछ हमने सीखा है उस पर उसके नतीजे क्या होंगे. नतीजे तक पहुंचने के लिए जरूरी यह है कि उस इल्म को अमल में लाया जाए. और इसके अंदर उस वक्त तक कमाल हासिल नहीं हो सकता, ये उस वक्त तक पूरी तरह पॉलिश नहीं होगा जब तक कि हम किसी साहिब इल्म की सोहबत इख्तियार न कर लें. फकर में, दरवेशी में, रूहानियत में, तसव्वुफ में, अगर हम जो सही फकीर गुजरे हैं, वाकई सही फकीर हैं, उनकी तालीमात को अगर हम गौर से पढ़ें तो वहां सोहबत पर इसीलिए ज्यादा जोर दिया गया है. ये जो कहा जाता है कि बगैर गाइड के, बगैर उस्ताद के, बगैर मुर्शिद के, बगैर शेख के इंसान कहीं पहुंच नहीं सकता, वो दर हकीकत बात सोहबत की है. रूहानियत में अगर हम ये चाहें कि हम किसी दर्जे तक जा पहुंचें, किसी मकाम तक जा पहुंचें, तो वहां हमें फिर एक उस्ताद की जरूरत पड़ेगी, मुर्शिद की, शेख की, गाइड की, जो भी आप उसे कहना चाहें, तो उसकी जरूरत हमें जरूर पड़ती है. ये जितने भी औलिया कराम अपने कमाल को पहुंचे हैं, एक बुलंदी तक चले गए, वो सभी वो हैं जो
जिन्होंने साहिब इल्म लोगों की सोबत अख्तियार की है, लोगों से इक्तसाब फैज करने वाले जनाब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। एक रवायत के मुताबिक आपने 102 असातिज़ा से इक्तसाब फैज किया है, एक और रवायत 105 है, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये 110 साहिबान इल्म थे जिनसे जनाब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने इक्तसाब फैज किया, और वो साल दो साल 10 साल की सोबत नहीं है, वो एक लंबी उम्र गुजरी है उस सोबत में। और इसीलिए जनाब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जनाब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में फरमाया कि बायज़ीद की हैसियत औलिया इकराम में वही है जो किसी अंगूठी में नगीने को होती है। तो ये कमाल हासिल होता है सोबत के नतीजे में। कोशिश कीजिए कि आपको और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मुझे भी अल्लाह ये तौफीक बख्श दे कि हम किसी साहिब इल्म की सोबत में बैठ सकें। जब हम किसी साहिब इल्म के सोबत में बैठते हैं तो वहाँ दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, उसके बगैर हम वहां से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एक इज्ज़ है, आजजी, कि इंसान दुनियावी तौर पर किसी भी मकाम पर फाइज क्यों ना हो, खा किसी हुकूमत का सरबराह क्यों ना हो, रियासत का सरबराह क्यों ना हो, लेकिन जब साहिब इल्म की सोहबत में बैठा है तो वहां उसको अपनी वो हैसियत उठा के एक तरफ रख देनी पड़ेगी। उसकी तौर तरीके, उसके अंदाज, उसकी फिक्र में आजजी होना बड़ा जरूरी है। और दूसरी चीज है हिल्म, वहां बहुत तहम्मुल की जरूरत होती है, क्योंकि जो साहिब इल्म है और उसकी जाके अगर कोई आदमी शागिर्दी इख्तियार करता है तो फिर वो साहिब इल्म उस इंसान की दुनियावी हैसियत पर नजर नहीं रखता, उसके नजदीक वो सिर्फ शागिर्द है। और अगर कोई साहिब इल्म ऐसा है कि वो अपने पास आने वालों की दुनियावी मर्तबे की वजह से फर्क करता है तो वो फिर साहिब इल्म नहीं है। आजजी और तहम हिल्म, ये वहां बुनियादी शर्त बन जाएगी। और हमारे अंदर आजजी आ नहीं सकती जब तक के हम तकब्बुर से जान ना छुड़ा लें। मैंने एक बार पहले भी अर्ज किया था कि तकब्बुर सिर्फ वही नहीं जिन मायनों में तकब्बुर को हम लेते हैं, बल्कि तकब्बुर की बहुत सी किस्में हैं। इल्म का तकब्बुर है, इबादत का तकब्बुर है, पारसाई का तकब्बुर है, दौलत का तकब्बुर है, मर्तबे का तकब्बुर है, और तो और आजजी का भी तकब्बुर है।
और इन सब में खौफनाक तकब्बुर आजजी का तकब्बुर है जो इंसान को बिल्कुल ही बर्बाद कर देता है। तो तकब्बुर पर बड़ी गहरी नजर रखना पड़ती है अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं। मजा ये है कि ये तकब्बुर अगर हम कैरी कर लें साहिब इल्म की सोहबत में बैठते बैठे हुए भी उस तकब्बुर से जान न छुड़ा सकें तो बिल्कुल वही हाल होता है इंसान का उस आदमी का सा जिसने घर में साल भर का अनाज इकट्ठा किया कि ये साल भर अनाज मेरे काम आ जाएगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो अनाज या तो वहां से गायब हो गया है या खराब हो गया है। कि जिस बोरी में उसने उस अनाज को महफूज किया था साल भर गुजारा करने के लिए, उस बोरी के किसी छुपे हुए कोने में किसी चूहे ने एक सुराख किया और वो उसका अनाज खाता रहा। जो खा नहीं सका उसको उसने वैसे खराब कर दिया। तो पता चला कि वो तो अनाज से बिल्कुल तही दामन हो गया, अब उसका गुजारा मुश्किल होगा। तो जब इंसान आजजी के तकब्बुर में मुब्तला हो जाए तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है जो उस अनाज के मालिक के साथ हुआ। तो हम साहिब इल्म की सोहबत में जरूर जाएं, लेकिन अपना मुहासबा खुद करते रहें कि हम कहीं तकब्बुर में मुब्तला ना हों। और एक और तकब्बुर पैदा हो जाता है इंसान के अंदर कि जब वो किसी बड़े साहिब इल्म की सोहबत में बैठता है तो इसी तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है कि मैं इतने बड़े साहिब इल्म की सोहबत में बैठा हूं। नतीजा ये होता है कि वो एहसास बर्तरी में मुब्तला हो गया बजाय सीखने के वहां गंवाना शुरू कर दिया उसने। तो हम इल्म और उस महफिल में इख्तियार कर लें। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी साहिब इल्म की महफिल में बैठते हैं, किसी साहिब इल्म के पास जाते हैं, तो वहां हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि इल्म सुनने से हासिल होता है, बोलने से जाया होता है। तो जब हम किसी साहिब इल्म के पास गए हैं तो अपनी जुबान को बिल्कुल बंद कर लें और कानों को खुला रखें तो इल्म का हासिल मुमकिन हो जाएगा। ये सवाल अक्सर बेशतर सामने आता रहता है, वो है इस्मे आज़म से मुताल्लिक। इंसान कहीं भी चला जाए, कैसे ही लोगों के साथ बैठा हो, इस सवाल से सामना जरूर होता है। इसमें आजम क्या है या इसमें आजम बता दीजिए। तो यहां भी वही सवाल, फिर इसमें आजम का या जो साहिब इल्म होते हैं
इन्होंने चूंकि अपने शेख की महफिल में बैठ बैठ के तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र सीखा होता है, बल्कि उसकी प्रैक्टिस हुई भी होती है, जब ये खुद किसी मकाम पर जाते हैं कि इनके शेख इन्हें इजाजत दे दें दुआ करने की या बैत करने की लोगों को, तो लोग इनके पास जाने लगते हैं। फिर तो फकीर के पास लोग ज्यादातर जाते हैं दुनियावी फायदे की बात करने, वहां मसला ये बन जाता है कि वो साहिब इल्म या फकीर या दरवेश उस मकाम को पहुंचा ही तरके दुनिया करके है कि दुनिया की मोहब्बत उसने दिल से निकाल दी और रब की जस्तजू में लगा, तो उस मकाम पे आ पहुंचा जहां वो मुस्तजाब दावात है, लोगों में इल्म बांटता है, लोगों को फैज पहुंचाता है। जिस चीज को तर्क करके वो उस मकाम तक आया है, उसके पास आने वाले आते ही उस गर्ज से हैं कि वो हासिल हो जाए। तो उसे अपने मकाम से नीचे उतरना पड़ता है जब वो दुनियावी दुआ करता है किसी के लिए, जिस मकाम पर वो बैठा है उससे वो नीचे उतर के दुनिया की दुआ करता है। इसीलिए उसके अंदर झुंझलाहट आपको महसूस होगी जब दुनिया की दुआ उससे करने को कहा जाता है। तो लेकिन चूंकि उसके अंदर आजी भी है, हिल्म भी है और सब्र भी है, तो जाहिर नहीं करता कि वो किस दर्द से गुजर रहा है जब उससे दुनिया की दुआ के लिए कहा जा रहा है। वो इल्म के उस मकाम पर आया है कि उसने दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दी थी, उस मकाम पर आकर फिर इसमें आजम का अदराक उसे हुआ है। तो जब उससे हर आने वाला पूछता ही यह है कि इसमें आजम बता दीजिए ताकि मैं दुनिया के काम उससे कर लिया करूं, तो फिर ईंटें मारने पे आता है। एक नवाब साहब थे, उनको दावा ये था कि ये बस ऐसी बातें बनी हैं कि लोगों की चिड़ बन जाती कोई चीज, तो अपने हम असर और हम पल्ला लोगों के दरमियान बैठे थे जो जाहिर नवाब थे, तो वहां ये बात चल निकली कि इंसान की चिड़ कैसे बनती है। तो इन नवाब साहब ने जो मेजबान थे उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता कि किसी आदमी की किसी बात से चिड़ बन सकती है। तो दूसरे मेहमान नवाब जो थे उन्होंने सबने सुना, खामोश हो गया आदाब मेहमानी के। तो थोड़ी देर के बाद खाने का वक्त हो गया तो नवाब साहब जो मेजबान थे उन्होंने कहा कि आइए साहब खाना तनावल फरमाए। तो खाना खाते खाते मेहमान नवाबीन में से एक नवाब ने अपने मेजबान से कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा? तो मेजबान ने कहा कि नहीं, मैं अचार नहीं खाता,
इसलिए अचार नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। उन्हें नहीं, कोई बात नहीं। तो दो चार नवाले लेने के बाद उन नवाब साहब ने फिर अपने मेजबान से कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मेजबान ने बड़े प्यार और तहमल से फिर जवाब दिया कि नहीं, हम लोग अचार नहीं खाते, इसलिए अचार नहीं है। उसने कहा नहीं अच्छा कोई बात नहीं। दो चार नवाले खाने के बाद उसने फिर कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मेजबान ने कहा कि देखिए, मैंने आपको पहले भी दो मरतबा अर्ज किया कि हम अचार नहीं खाते, इसलिए हमारे यहां अचार नहीं होता, और माफ कीजिएगा मैं भूल गया। फिर दो चार नवाले खाए तो फिर कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मेजबान ने जरा तलखी से कहा कि आप भी कमाल के आदमी हैं, मैं आपको पहले भी तीन बार कह चुका कि हम अचार नहीं खाते, हमारे यहां अचार नहीं है। सॉरी सॉरी, मेरे जहन से निकल गई बात। फिर दो तीन नवालों के बाद कहा कि हजरत साहब आपके यहां अचार होगा। तो वो बरहम हो गए मेजबान और बड़ी सख्ती से फिर कहा, इन्होंने फिर माफी मांग ली। फिर दो चार नवाले के बाद कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मेजबान जो थे वो बुरा भला कहने पे उतर आए, दूसरे नवाबों ने बीच बचाव करा दिया। खाना खत्म हो गया, हाथ धो रहे थे, जो ही इन साहब ने हाथ धोए तो वो हाथ साफ करते करते अपने मेजबान से कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा। तो उन्होंने जूता उतार लिया, तो इन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। वो खाना खा के रुखसत हो रहे थे मेहमान, तो ये नवाब साहब भी रुखसत हो रहे थे। रुखसत होते होते हाथ मिलाया और कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा। तो मारने दौड़े उनको, बात खत्म हो गई। ये साहब अपने घर पहुंचे, वहां जाके मुलाजिम से कहने लगे ये प्याला लो और फला नवाब साहब के यहां जाओ और उनसे जाके कहो कि हजरत आपके यहां अचार होगा, नवाब साहब ने मांगा है। वो मुलाजिम बेचारा अपनी मासूमियत में प्याला लेके नवाब साहब के घर पे आ गया और मुलाजिम से कहा कि बताओ कि फला नवाब का मुलाजिम आया है। ये नवाब साहब आए बाहर, हाँ भाई मियाँ क्या बात है। उसने प्याला आगे बढ़ाया और कहा कि वो नवाब साहब ने मुझे भेजा है और पूछवाया कि आपके यहाँ अचार होगा। तो इन नवाब साहब ने उनका प्याला पकड़ा और मुलाजिम के सर में दे मारा। तो वो गरीब जान बचा के भागा, पीछे पीछे नवाब साहब गालियां देते हुए। तो मोहल्ले के बच्चों ने देखा कि ये क्या हुआ। तो मुलाजिम ने पूछा क्या हुआ, पागल हो गया, मैंने अचार मांगा था, ये मारने को दौड़ा है मेरे पीछे। अगले दिन नवाब साहब आए तो बच्चे तालियां बजा रहे थे, नवाब साहब अचार होगा, नवाब साहब अचार होगा, और नवाब साहब उनके पीछे ईंट लेके भाग रहे थे। तो ये जिस शिद्दत से इसमें आजम के बारे में पूछा जाता है, मेरा ख्याल है कि किसी दिन फकीर लोग ईंट उठा के भाग ईंट पूछने वालों के पीछे भागते दिखाई देंगे। एक चीज याद रखिए कि जिस तरह से रब ताला किसी को साहिब कश बनाते हैं, अल्लाह ताला कश किसी फकीर को अता करते हैं, तो उससे पहले उसे इतना बड़ा ज़र्फ़ अता कर दिया जाता है कि वो कश में दूसरों के बारे में अगर वो बहुत सी चीजें देखेगा तो जो चीज उससे पूछी नहीं गई वो उसको बयान ना करे। लोगों का भ्रम और लोगों का पर्दा कायम रखे, ये ज़र्फ उसे पहले अता होता है। इसी तरह जब वो इल्म के उस मकाम पर आए कि जहां उस पर इसमें आजम का इंकशाफ हो जाए, तो उसमें इतना बड़ा ज़र्फ पैदा हो गया होता है कि न तो वो उस इसमें आजम को इस्तेमाल करता है, खा कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, और न वो किसी के लिए उस इसमें आजम को इस्तेमाल करता है।
इसमें आजम के जानने के लिए ये जरूरी है कि इंसान उस मकाम को पहुंचा हुआ हो जहां वो उसे संभाल सके, क्योंकि इसमें आजम के इस्तेमाल से काम तो हो जाएगा लेकिन फिर औलिया इकराम की लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाता है। इनका अगला सवाल भी इसमें आजम ही से मुताल्लिक है कि क्या ये सच है कि इसमें आजम का वर्द इंसान ज्यादा देर तक नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत वजनी होता है। ये मुझे वजन के बारे में तो मालूम नहीं है कि कितना वजनी होता है, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि इसमें आजम को आपको दो चार बार से ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। उसकी तासीर इतनी तेज है कि एक दो बार ही पढ़ने से इनका अगला सवाल, क्या सूफी अपने मकाम में वलायत से मुतमईन रहता है या अगली मंजिल या मकाम की ख्वाहिश रखता है? सूफीज्म में तसव्वुफ में ख्वाहिश नाम की कोई चीज नहीं होती। दर्जे या मकाम की ख्वाहिश वहां होती है जहां हिर्स हो इंसान के दिल में या तमा हो। ये हिर्स और तमा है कि मैं अगर दुनियावी तौर पर किसी एक ओहदे पर फाइज हूं तो मैं उससे अगले ओहदे की तमन्ना करूं, वो तमन्ना मेरी हिर्स या तमा के नतीजे में हो सकती है, उसके बगैर नहीं। तो जिस इंसान के दिल में हिर्स या तमा है वो कभी दरवेशी के मकाम पर फायज हो ही नहीं सकता। एक दूसरी बात यह है कि दरवेश का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि उसके वलायत के मर्तबे अता हो जाए। अगर उसका ऑब्जेक्टिव यह है तो वो कभी सूफी या दरवेश बनेगा नहीं। इस राह के बारे में ये कहा जाता है कि जिस इंसान ने ये इंतजार इस इंतजार में रहा कि मुझे कब कुछ मिलेगा या अगर मिला है तो कितना है और मजीद कब मिलेगा, उसे कभी कुछ ना मिला। और जिसने इन तमाम चीजों से बेपरवाह होकर रब की इबादत की, अपने रब को पुकारता रहा, उसे सब कुछ अता हो जाता है। तो जो सूफी अगले मकाम पर नजर रखेगा उसे कुछ अता नहीं हो सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सूफी तो सिर्फ एक चीज की तमन्ना रखता है कि मुझे मेरा रब मिल जाए, मुझे रब का कुर्ब हासिल हो जाए। तो उस ऑब्जेक्टिव को जहन में, वो चूंकि आखिरी मंजिल है तो उसकी नजर जब आखिरी मंजिल पर रहती है कि मुझे वहां जाना है, तो रास्ते की तमाम मंजिलें अज खुद तय होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक सवाल है कि एक मुरीद के लिए मुर्शिद के हवाले से अपने मामलात और गुफ्तगु पोशीदा रखना किस हद तक जरूरी है, उसकी वजह क्या है? जब आदमी इल्म की इब्तदाई मनाजिल में होता है, वलायत की इब्तदाई दर्जात पर होता है, तो उस पर लाजिम होता है कि वो अपनी कैफियात को
अपने मुशाहदात को, अपने महसूसात को, अपने वारदात को वो पोशीदा रखे। लेकिन पुख्तगी के एक मकाम पर पहुंचने के बाद उसको ये इजाजत होती है कि वो बहुत से मामलात को लोगों में बयान कर दे एहतियात के साथ, ताकि दूसरे उससे इंस्पायर हों, दूसरों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि मैं भी ऐसा हो जाऊं। तो वो अल्लाह की राह की तरफ बुलाने का एक जरिया बन जाती हैं वो बातें। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो हर मकाम पर फाइज होने के बावजूद उसको आया नहीं किया जा सकता। तो मुर्शद सिखाते हैं अपने मुरीद को बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें। उनमें कुछ चीजें बयान की जा सकेंगी और कुछ चीजें इल्म से मुतालिक, मकामात से मुतालिक बताई नहीं जा सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान की अक्ल को चकरा के रख देंगी। जब उनको आम लोगों के सामने बयान किया जाएगा तो बजाय इसके कि वो सीधी राह की तरफ चले जाएं, अल्लाह की तरफ रागिब हो जाएं, उनके भटकने के इम्कानात ज्यादा आए। तो इसलिए उन बातों को आम लोगों के सामने बयान करने की मुमानियत होती है। चूंकि पोशीदा मामलात का ताल्लुक दरवेश की सैर से होता है और वो सैर में ऐसे मकामात देखता है जहां इंसानी अक्ल पहुंच नहीं सकती, तो जब वो आम लोगों के सामने बयान किए जाएंगे तो वो अपनी अक्ल और लॉजिक पर उसे परखना चाहेंगे और अक्ल वहां तक जा नहीं सकेगी, तो नतीजा ये होगा कि वो भटक जाएंगे लोग। इसलिए छुपाने का हुक्म होता है। फिर इसमें आजम दरमियान में आ गया कि क्या इसमें आजम का जिक्र करते हुए इंसान मुशाहिदा भी कर रहा होता है और इसलिए उस पर एक खास किस्म का खौफ और हैबत तारी हो जाती है। इसमें आजम का जिक्र करते हुए मुशाहिदा नहीं कर पाएगा इंसान, इसलिए कि उसका ताल्लुक बराह रास्त ज़ात बारी ताला से है। वहां तजल्ली इस कदर ज्यादा है कि उसकी ताब नहीं ला सकता कोई, इसलिए वो मुशाहिदा वहां नहीं होता। ये तजल्ली के एक हल्का सा हिस्सा था, एक तजल्ली बहुत कम मकदार की थी जो कोहेतूर पर डाली गई थी और पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। तो रब की तजल्ली की ताब कोई नहीं ला पाएगा, इसलिए वो मुशाहिदा वहां नहीं होता। अलबत्ता उसकी जलालत और हैबत इतनी है कि अगर उसका जिक्र करे तो इंसान बड़े से बड़ा वली अल्लाह भी कांपने लगेगा। अगला सवाल है कि देखा गया है कि अगर कोई वर्द वजीफा बगैर वली कामिल की इजाजत के किया जाए तो आमतौर पर वो फायदे के बजाय नुकसान देता है, लेकिन कुरान पाक खाज जितनी भी कसरत से पढ़ा जाए उसका फायदा ही होता है, इसकी क्या वजह है? क्या कुरान पाक के अल्फाज के साथ अनवार भी उतारे गए हैं? ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी वली या किसी साहिब इल्म की इजाजत के बगैर इंसान तलावत करे या वर्द करे, वजीफा करे तो उसका नुकसान ही हो, ये जरूरी नहीं है। बाज़ वक़्त उसके फायदे भी होते हैं।
लेकिन नुकसान का एहतमाल बहरहाल है, रजत होने का एहतमाल रहता है, तो इसलिए इससे मना किया जाता है कि ऐसा रिस्क न लिया जाए कि कहीं रजत में ना आ जाए इंसान। क्योंकि अगर आपके शेख हैं और वो वली कामिल होंगे यकीनी तौर पे, वो आपकी रूहानी कैफियत, आपकी रूहानियत का थ्रेशहोल्ड पॉइंट, उस सबको सामने रख के इल्म की, इल्म को एक मैयर डोज में आपको देंगे। इसलिए कि अगर उनका मुरीद साहिब औलाद है, उसकी फैमिली है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसे दुनियावी कामकाज भी करना है, तो अगर इल्म यकलक दे दिया जाए तो उसका इतना ज्यादा बोझ पड़ जाएगा उस शख्स पर, उसके असरात इतने ज्यादा हो जाएंगे उस आदमी पर कि वो दुनिया को छोड़कर एक तरफ हो जाएगा। तो समझदार वली अल्लाह जो हैं, समझदार शेख, वो अपने मुरीद को इल्म अता करते हैं, लेकिन एक मैयड डोज में, कि जिसके हासिल होने से उस उनके मुरीद की या उनके शागिर्द की कैफियत बिगड़ने ना पाए, वो अपने दुनियावी मामूलात भी मामूल के मुताबिक अता करे, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करे और साथ साथ अल्लाह की राह पर भी चलता रहे। इसलिए कहा जाता है कि शेख की इजाजत के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी उसके अंदर रीजन ये है कि हर लफ्ज के अपने असरात हैं, उसके अपने अनवार हैं, हर हरफ के। अगर इसको सही तौर पर कहा जाए और प्रिसाइजली बात की जाए तो अल्फाज असल में मजमुआ है हरूफ के, जैसे एक सूरा मजमुआ है आयात का और हर आयत मजमुआ है अल्फाज का, इसी तरह लफ्ज मजमुआ है हरफ का। जब कई हरफ इकट्ठे मिल जाएं तो लफ्ज बन जाते हैं। ये वैल्यूज हैं हरफ की। एक लफ्ज के अंदर अगर फर्ज कर लीजिए आपने लफ्ज आहद बोला, ये रब ताला का की सिफ्त है। यहीं किसी जमाने में बात करते हुए मैंने अर्ज किया था कि मुझसे एक गैर मुस्लिम ने सवाल पूछा था कि आपके यहां दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वाहिद और आहद, अगर इसका तर्जुमा देखा जाए तो दोनों का मतलब एक है। लेकिन एक ही जगह पर आप इन दोनों अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? वाहिद और आहद दोनों, वो चूंकि गैर मुस्लिम था तो उसको जवाब देना बड़ा जरूरी था ताकि उसके जहन में एम्बिग्विटीज जो हैं इस्लाम के बारे में वो दूर हों। तो फिर उसको समझाना पड़ा, वाहिद असल में न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह एक है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है रब के बारे में जो तादाद को जाहिर कर रहा है कि रब एक है, दो नहीं है। और आहद
एक के मायनों में वहां आता है जहां बेमिसाल हो जाए, या अपनी मिसाल आप है, या अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं यूनिक है, जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है, बेमिसल है। तो दोनों में इस्तलाही मायनों में फर्क है, लुगती मायनों में फर्क नहीं है। तो इसी तरह जो हर्फ है उसके अनवार और उसके असरात हर हर्फ के साथ बदलते चले जाएंगे। तो जब कई हरूफ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लफ्ज बन जाता है, उस लफ्ज के असरात उन तमाम हरूफ के असरात का मजमूआ बन जाएगा, उस लफ्ज के अनवार उन तमाम हरूफ के अनवार का मजमूआ हो जाएगा। जैसे डॉक्टर हजरत जब आपको अपनी डिस्पेंसरी में खांसी का शरबत या खांसी की दवा बना के देते हैं, तो उसमें तीन या चार किस्म की दवाइयां वो डालते हैं एक मखसूस मकदार में, तो उसके नतीजे में जो मालूल वजूद में आता है उसके असरात ये होते हैं कि वो आपकी खांसी को ठीक कर देता है। लेकिन उसके जो अज्जा हैं उसके अंदर, अगर उनको अलहदा पिए, एक उसके जज्ब को पी लें आप, खांसी ठीक नहीं होगी। दो भी जमा कर लें आप, और अगर वो सारी चीजें इकट्ठी आपने जमा कर ली लेकिन उसकी मिकदार आपने प्लस माइनस कर दी, तो भी जो महलूल तैयार होगा वो आपकी खांसी को आराम नहीं देगा। तो जो लफ्ज है उसके अंदर जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनके अनवार इकट्ठे होके एक असर रखेंगे अपना, कई अल्फाज इकट्ठे हो जाएंगे तो वह आयत बन जाएगी। तो वहां पर उन तमाम अल्फाज के असरात इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उस आयत का उन्होंने असर कायम कर दिया। अब जब हम किसी हर्फ को, लफ्ज को, आयत को, सूरा को रोजाना एक मखसूस वक्त पर मखसूस तादाद में पढ़ेंगे तो इंसान के जहन, या आसानी के लिए कहिए कि इसकी रूह और उसके जिस्म पर वो असरात एक मखसूस मकदार में उसकी बारिश होगी उस पर, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे आप प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन की बारिश कर दें, तुम्हारा रेडिएशन बेपना पैदा हो जाती है। अब उसे अगर आपने रेडिएशन को हार्नेस कर लिया तो वो आप तामीरी कामों में उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हार्नेस नहीं करते तो वो तबाही फैला देती है कि तबकारी हो जाती चारों तरफ और जिंदगी नापैद हो जाएगी वहां। तो वो अनवार की बारिश जब एक वक्त मखसूस वक्त पर मखसूस मकदार में होगी तो इंसान के जिस्म और उसकी रूह पर, या दुनियावी जुबान में बात करें तो उसके जहन पर उसके मखसूस असरात मरतब होंगे। ये सिर्फ आपके शेख हैं जो ये जानेंगे कि आपकी रूहानी कैफियत क्या है और उस पर अगर इस हर्फ, इस लफ्ज, इस आयत के असरात इतनी मकदार में रोजाना इस वक्त बारिश हो तो उसके नतीजे में उस आदमी की जिस्मानी और रूहानी कैफियत क्या हो जाएगी, तो मैयर करके अपने जहन में फिर आपको सजेस्ट करेंगे आपके शेख कि आप ये वर्द इस तरह से किया कीजिए। लेकिन इसके बरक्स जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं तो हम एक ही लफ्ज को, एक ही हरफ को, एक ही आयत को रिपीट नहीं कर रहे होते बल्कि पढ़ते चले जाते हैं, तो वो फिर उसकी बारिश नहीं होती है उस तरह से।
असरात बदलते जाते हैं, अनुमार बदलते जाते हैं। और इनके सवाल का जो आखिरी हिस्सा था उसका जवाब मैं पहले दे चुका कि जितने भी हरूफ हैं वो अपने अंदर एक ताकत रखते हैं, उसको अगर एक नॉन मुस्लिम इस्तेमाल करेगा तो वो पावर कह देगा। हम उसको कहते हैं कि उसके अनुमार हैं, उसकी तजल्ली है, उसके असरात हैं। तो हर हरफ कुरान का अपने अंदर एक ताकत लिए हुए है, उसका कॉम्बिनेशन जब तैयार हो जाएगा और उसे एक खास मकदार में खास वक्त पर पढ़ेंगे तो वो उसके असरात आपकी रूह और आपके जिस्म पर मरतब होंगे, आपकी रूह एक खास डायरेक्शन में शेप लेने लगेगी, यूं आपकी रूहानियत का सफर शुरू हो जाएगा। अभी इनके दो चार सवाल बाकी हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे इस पे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।